ब्लैक लिस्ट में नंबर नहीं है फिर भी बिजी बता रहा है। दोस्तों क्या आपने भी किसी का ब्लैक लिस्ट में नंबर नहीं डाला है परंतु सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि आपने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। जब वो व्यक्ति आपके पास कॉल करता है उसको बिजी बताता है परंतु आपने उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में भी नहीं डाला हुआ है। लेकिन जब आप अपने मोबाइल में ब्लैक लिस्ट की सेटिंग चेक कर रहे हैं वहां पे ब्लैक लिस्ट में कोई भी नंबर नहीं है और तो और वो ब्लैक लिस्ट की सेटिंग भी ऑफ है, उसके बावजूद भी सामने वाले व्यक्ति को हमारा नंबर बिजी बताता है। तो ये क्यों हो रहा है? सामने वाले व्यक्ति को हमारा नंबर बिजी क्यों बता रहा है? या वाकई में वो नंबर ब्लैक लिस्ट में जा चुका है? अगर जा चुका है तो वो ब्लैक लिस्ट में से कैसे निकलेगा? कौन सी ब्लैक लिस्ट की सेटिंग में वो नंबर जा चुका है? इन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपकी पूरी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आपको अपने मोबाइल के डायलर पैड यहाँ पे ओपन कर लेना है। डायलर पैड ओपन करने के बाद अभी आपको यहाँ पे सेटिंग के आइकन पर क्लिक करना है या फिर आप यहाँ पे अपने मोबाइल की सेटिंग में आएंगे। मोबाइल की सेटिंग में आने के बाद अभी आपको यहाँ पे सर्च बार पर क्लिक करना और आपको यहाँ पे सर्च करना है कॉल सेटिंग। इसके बाद आपके सामने सेम वही सेटिंग यहाँ पे आ जाएगी। आप इस सेटिंग को किसी भी माध्यम से ओपन कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे ब्लैक लिस्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक लिस्ट की सेटिंग यहाँ पे ऑफ है, लेकिन आपने गलती से कोई ऐसी सेटिंग अनेबल कर दी हो जिसकी वजह से सामने वाले व्यक्ति को आपका नंबर बिजी बता रहा हो। तो इसके लिए आपको यहाँ पे कॉल ब्लैक लिस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना और आपको यहाँ पे ये चेक करना क्या इनमें से कोई सेटिंग यहाँ पे अनेबल है या फिर नहीं। अगर इनमें से कोई भी सेटिंग यहाँ पे अनेबल है तो आपको उन सेटिंग को यहाँ पे बंद कर देना है। अगर आपने इस सेटिंग को बंद कर दिया तो आपके पास कोई भी अनजान नंबर से कॉल नहीं आ पाएगा। आपके पास केवल वही व्यक्ति कॉल कर सकता है जो नंबर आपके मोबाइल में सेफ है। और अगर आपने इस सेटिंग को अनेबल कर दिया तो आपके पास आपके कॉन्टेक्ट में से कोई भी व्यक्ति कॉल नहीं कर सकता। तो आपको ध्यान रखना ये सभी सेटिंग आपके यहाँ पे ऑफ होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको यहाँ पे कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग भी यहाँ पे चेक कर लेनी है। यहाँ पर आपको जिस भी सिम में ये प्रॉब्लम आ रही है आपको उस सिम पर क्लिक करना है। यहाँ पे वॉइस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ये चेक करना कि आपके यहाँ पे कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग यहाँ पे अनेबल है या फिर नहीं। खास तौर पर आपको यहाँ पे वैन बिजी की सेटिंग यहाँ पे जरूर चेक करनी है। अगर ये वैन बिजी की सेटिंग में यहाँ पे कोई नंबर है और ये सेटिंग यहाँ पे अनेबल है तो आपको इस सेटिंग को यहाँ पे बंद कर देना है। इसके बाद यहाँ पे गूगल डायलर की सेटिंग, आप में से बहुत सारे मोबाइल में गूगल डायलर एप्लीकेशन जरूर होगा। जो आजकल मोबाइल आ रहे हैं इसमें बाई डिफॉल्ट यहाँ पे गूगल डायलर मिलता है, लेकिन अगर आपने कभी गूगल डायलर एप्लीकेशन इंस्टॉल किया था और आपने ये सेटिंग उसमें कर दिया तो आपको इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो आपके मोबाइल में अगर गूगल डायलर नहीं है तो आपको एक बार इंस्टॉल कर लेना। इसके बाद आपको गूगल डायलर में ये सेटिंग चेक करनी है। तो मैंने यहाँ पे गूगल डायलर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, यहाँ पे सेटिंग पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे ब्लॉक्ड नंबर पर क्लिक करना है। तो आपने गूगल डायलर एप्लीकेशन में जो भी नंबर ब्लॉक किए होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। जबकि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा मेरे मोबाइल का जो यहाँ पे डायलर है यहाँ पे ब्लैक लिस्ट की सेटिंग यहाँ पे ऑफ है, लेकिन जो गूगल डायलर है इसमें यहाँ पे ब्लैक लिस्ट की सेटिंग में यहाँ पे ये नंबर पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ये व्यक्ति जब मेरे पास कॉल कर रहा है तो उसको बिजी बता रहा है। तो आप यही गलती करते हो, आपने कभी ना कभी गूगल डायलर में उस नंबर को ब्लॉक कर दियो, गलती से ब्लॉक हो गया हो या इसकी वजह से सामने वाले व्यक्ति को नंबर बिजी बताता है। तो आपको यहाँ पर आके उस नंबर को यहाँ से डिलीट कर देना है, मतलब कि अनब्लॉक कर देना है। इसके बाद जब वो व्यक्ति आपके पास कॉल करेगा तो कॉल आपके पास आसानी से आ जाएगी। और अगर आपके मोबाइल में ये सेटिंग ऑन है तो आपको इस सेटिंग को भी यहाँ पे ऑफ कर देना है। आपके मोबाइल में ट्रू कॉलर एप्लीकेशन तो जरूर होगा, तो आपको ट्रू कॉलर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। कई बार ये सेटिंग हम ट्रू कॉलर एप्लीकेशन में कर देते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ जाती है। तो आपको यहाँ पे थ्री लाइन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ब्लॉक पर क्लिक करना है। इसके बाद अगर आपके मोबाइल में ये सभी सेटिंग अनेबल तो आपको इन सभी सेटिंग को यहाँ पे बंद कर देना है। हो सकता है कभी ना कभी आपने इन सभी सेटिंग को ऑन कर दिया जिसके कारण सामने वाले व्यक्ति को आपका नंबर बिजी बता रहा हो। इसके लिए आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में आ जाना है। मोबाइल की सेटिंग में आने के बाद अभी आपको यहाँ पे स्क्रोल डाउन करना है। यहाँ पर आपको एप्स पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे मैनेज एप्स यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पे डिफॉल्ट एप्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे डायलर पर क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल में जितने भी डायलर होंगे वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं हमारे मोबाइल में डिफॉल्ट डायलर है, उसके बाद गूगल डायलर है, उसके बाद यहाँ पे ट्रू कॉलर है, मतलब कि हमारे मोबाइल में तीन डायलर है। तो आपको इन तीनों डायलर में एक बार ब्लैक लिस्ट चेक कर लेने। तो चलिए अभी हम ट्रू कॉलर की ब्लैक लिस्ट चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ट्रू कॉलर एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे थ्री लाइन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे सेटिंग पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे ब्लॉक पर क्लिक करना है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर आपको मैनेज ब्लैक लिस्ट सेटिंग यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपने ट्रू कॉलर एप्लीकेशन में जितने भी नंबर को ब्लॉक किया होगा वो सब यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको उन नंबर को यहाँ पे अनब्लॉक कर देना है। इसके लिए आपको उसके सामने यहाँ पे इस आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पे यस पर क्लिक कर देना है।
तो ये नंबर आपके मोबाइल में से अनब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद ये व्यक्ति आपके पास जब कॉल करेगा तो आपके पास आसानी से कॉल आ जाएगी। तो अगर आप अपने मोबाइल में ये सभी सेटिंग चेक कर लेते हो तो आपके मोबाइल में ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।